हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एशियन एक्सप्रेस में। आज का जो पहला अपडेट आ रहा है वो इसरो को लेकर आ रहा है। इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है PSLV C50 रॉकेट से। उसी सैटेलाइट का नाम है CMS-01। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बांग्लादेश से। बांग्लादेश और इंडिया ने एक साथ एग्रीमेंट पर साइन किया है। उसके अंदर में इंक्लूड है इंडियन एनर्जी कॉरपोरेशन एंड कनेक्टिविटी। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है सेंसेक्स को लेकर। सेंसेक्स ने 46,992 मार्क टॉच किया है। यह हाईएस्ट पॉइंट है सेंसेक्स का आज तक। अगर हम निफ्टी का बात करें तो 13,773,000 को टॉच किया है निफ्टी ने। अगर हम नेक्स्ट अपडेट का बात करें तो दिस ईयर का ट्रेंडिंग फाइनेंशियल को बात कर, बैंकिंग सेक्टर, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, इस साल में इन्हीं कंपनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। नेक्स्ट अपडेट बात करें तो इंडिया के लेकर आ रहे हैं। इंडिया के कोच्चि और बैंगलोर में IFC एंड EAF ने इन्वेस्ट किया है 556 करोड़। पूर्वंकरा ग्रुप में अफोर्डिंग हाउसिंग प्लेटफॉर्म के लिए इंडिया में, ये सब इंटरनेशनल ग्रुप है। हमारा नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आ रहा है गूगल से। गूगल एक न्यू टूल सॉफ्टवेयर बना रहा है स्टार्टअप रिसर्चर्स के लिए, हिंदी अलावा और भी जो लैंग्वेज है इंडिया में उसको अच्छे तरह से समझने के लिए सॉफ्टवेयर, न्यू सॉफ्टवेयर बना रहा है गूगल ने। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है पगार बुक से। पगार बुक में $50 मिलियन इन्वेस्ट किया है सिक्योरिया कैपिटल ने। 15 मिलियन मतलब 110 करोड़। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है पबजी से लेकर। ऐसे खबरें आ रहे थे कि पबजी इंडिया में कमबैक कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि पबजी को कमबैक करने के लिए किसी भी परमिशन नहीं दिया है, इसलिए पबजी इंडिया में वापस इसी साल तो नहीं आएगा। साथ इस वीडियो होता है ख़त्म। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल एशियन एक्सप्रेस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।